हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। न्यायालय के आदेश के बाद बाड़मेर आबकारी विभाग ने जिले के विभिन्न थानों में पकड़ी गई अवैध शराब के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शनिवार को जिला आबकारी अधिकारी देवेंद्र दशोरा के निर्देशन में सदर थाना द्वारा 41 मामलों में पकड़ी गई 2006 लीटर अवैध शराब का निस्तारण किया गया। जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में विभाग के कार्मिकों ने जेसीबी के माध्यम से शराब की बोतलों बियर को सदर थाना परिसर में गड्ढा खोदकर जमीन दोज किया। जिला आबकारी अधिकारी देवेंद्र दशोरा ने बताया कि न्यायालय से मिले आदेश अनुसार जिले भर के विभिन्न थानों में पकड़ी गई अवैध शराब का निस्तारण किया जाना है। इसी कड़ी में शनिवार को सदर थाना पुलिस द्वारा 41 प्रकरणों में दर्ज की गई 2006.39 लीटर शराब का निस्तारण किया गया। उनके अनुसार रविवार को समदड़ी और सिवाना थाना द्वारा पकड़ी गई अवैध शराब का भी निस्तारण किया जाएगा। निस्तारण की गई अवैध शराब में 238 अंग्रेजी बोतल, 4225 पवे, 698 देसी शराब के पवे, 780 बियर की बोतल, 3.50 लीटर हथकड़ी शराब शामिल है, जिसकी अनुमति लागत 20 से 25 लाख रुपए बताई जा रही है। इस दौरान आबकारी विभाग के कार्मिक एवं सदर थाना का स्टाफ मौजूद रहा। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकराराम इकबाल की रिपोर्ट।